Now, the Maha Vikas Aghari released its manifesto today, presenting a Panchsutra proposal for Maharashtra. The MVA's manifesto outlines 5 key promises which focus on sectors like agriculture, rural and urban development, as well as health. Congress Chief Mallikarjun Kharge promised to conduct a caste census in Maha Vikas Aghari if elected in the upcoming assembly elections. He also announced plans to raise the state's 50% reservation cap. Key promises include Rs. 3,000 and free bus rides for women, waiving farm loans up to Rs. 3 lakh and Rs. 4,000 monthly support for the unemployed. There is also the inclusion of a health insurance up to Rs. 25 lakh and a caste census with plans to remove the 50% quota cap. As the political rivalry intensifies, the NDA is and India alliances are trading pointed accusations, while PM Modi accuses Congress of dividing the society. Congress claims that the BJP is deflecting from core issues with diversionary tactics. Maharashtra ke pragati aur vikas ke liye hamara vision 5 mukh pillars है. एक खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जनकल्याण पर आधारित है. महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्र नाम महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं. ये हमारा सभी का संकल्प है. जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे. जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी से, उनको इसका फायदा होगा. हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं. हर जहां जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं. कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए. आज इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. या कारंजामध्ये आपल्या सर्वांना सईताईंसारखा एक उमेदवार मिळालेला आहे. अतिशय लोकाभिमुख काम करणारे प्रकाशभाऊ ढाके यांचं कार्य सईताई पुढे घेऊन चाललेले आहे. इथे आता तुतारीचाही आवाज बंद झालेला आहे आणि पतंगही कटलेली आहे. पतंगही कटलेली आहे, त्याच्यामुळे चिंता करू नका. आता या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं सईताईंच्या पाठीशी उभं राहून उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे. आरएसएस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इसमें आ गए. इसको एक तरीके से महाराष्ट्र में उतारा जा रहा है. पीएम ने भी इसकी बात की कि हिंदू समाज बटेगा तो महाविकास अघाड़ी उनको काटेंगे. जब जब भाजपा को लगता है कि भाजपा हारने वाली है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है. जब जब भाजपा को लगता है कि भाजपा हारने वाली, जाति में कुछ वाद निर्माण करती है और कुछ नहीं चला तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलते हैं, जिस पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को जाके मोदी साहब ने ही हक किया था. तो ये उनकी जो डिवाइसिव बातें हैं ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी. पिछले 2 सालों में भाजपा ने बहुत बार कोशिश की है कि दंगे निर्माण करें, लेकिन दंगे हुए नहीं महाराष्ट्र में. इसी का कारण एक ही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र धर्म में बिलीव करते हैं. हमारा विश्वास महाराष्ट्र में है, इस माटी में, इस भूमि में है. आज अगर आप देखें
तो जो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ये बटने वाले लोग हैं, बटाने वाले लोग हैं, ये फिर काटते हमारे लोगों को और फिर काटता हमारा खिस्सा और फिर काटते हैं हमारी ट्रेजरी को, बटेंगे कटेंगे और लूटेंगे, यही भाजपा की नीति रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आकर इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये इलेक्शन इनके हाथ से जा चुका है, इसलिए वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीत हमारी है, निश्चित है और हम कॉन्फिडेंट हैं। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, आदित्य जी जिस मार्जिन से पिछली बार जीते थे उनका मार्जिन और आगे बढ़ेगा। सामने कोई भी हो, सामने कोई एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, सी हो या राज्यसभा एमपी हो, वो हार उनकी निश्चित। महाविकास आघाड़ी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और इस बार महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की जनता बदला लेना चाहती है उन लोगों से जिन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा दिया, खरीद फरोख्त करके बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा, उनका तीर कमान चोरी किया, विधायकों को तोड़ा, शरद पवार की पार्टी तोड़ा, खरीद तोड़ा, घड़ी को चोरी किया, ऐसे लोगों से बदला लेना चाहती है। और भारत के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, 2,00,000 करोड़ का योजना है गुजरात भेज दिया उन्होंने।